आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौटियाल निवास के पास। जी हाँ, नौटियाल निवास, जिनको कि कल ही भारतीय जनता पार्टी में चकराता विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। ऐसी शख्सियत और इस बार चकराता विधानसभा से एक नई उम्मीद के साथ जा रही है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुपरस्टार सिंगर जुबिन नौटियाल जी। जुबिन नौटियाल जो कि उसी जौनसार बावर क्षेत्र से है, और हमें बड़ा गर्व होता है जब बड़े बड़े मंचों से वो अपना जो परिचय देते हैं तो बाकायदा वो उन पहाड़ियों का जिक्र करते हैं, उस गांव का जिक्र करते हैं और उस जौनसार बावर का जिक्र करते हैं। ऐसी शख्सियत और रामशरण नौटियाल के पुत्र जुबिन नौटियाल जी मेरे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करूँगा उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस निर्णय को लेकर। जुबिन सर, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपके पिता को चकराता विधानसभा के भीतर एक उम्मीदवार के तौर पर नियुक्त किया है। जुबिन नौटियाल जी, इस निर्णय को लेकर किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और चकराता विधानसभा के लिए जो सपना एक पिता ने देखा था, क्या उस सपने को साकार करते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा अपने पिता श्री रामशरण नौटियाल को कि, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने मेरे पिता को हमारे दुर्गम इलाके का कैंडिडेट बनाया और इलाके को एक मौका दिया। मुझे लगता है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरे जौनसार बावर के क्षेत्र की जनता का कि उनको एक भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बहुत ही सक्षम कैंडिडेट दिया है जो विकास करने के काबिल है, और मुझे लगता है पहाड़ों का एक बहुत अच्छा वक्त आ रहा है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जौनसार बावर में हमने कोरोना काल में बहुत मेहनत करी, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को छुआ, और वहाँ घूम करके ये पता लगा कि ये सिर्फ टेम्प्ररी सल्यूशन है। जिस तरह से हम राशन लेके जा रहे हैं, परमानेंट अगर सल्यूशन की बात करें तो मुझे लगता है वहाँ की पूरी वर्किंग और वहाँ किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज करने का मुझे लगता वक्त है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर तरह से जौनसार बावर का विकास हो, जौनसार बावर अच्छे तरह से आ गया है। सर, क्योंकि आप मसूरी से भली भांति वाकिफ़ है और जौनसार बावर में भी आप कोविड काल की उस महासंकट में लोगों के बीच में रहे हैं, घूमे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, क्या कुछ देखते हैं आप जौनसार बावर के लिए? क्योंकि सुंदर वादियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, और एक लंबी जो है हिमालय की श्रृंखला वहाँ से सामने दिखती है। क्या उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं नीचे आकर 6-7 हज़ार रुपये में अपना रोजगार तलाश रहे हैं, उनके लिए आपके माध्यम से आपको लगता है कि कुछ वहीं पर जो है स्वरोजगार के साधन उत्पन्न हो सकते हैं? देखिए, हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जिसमें हर इंसान के मन में स्वरोजगार का भाव होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आज का यूथ स्वरोजगार के लिए सक्षम है। हमको सिर्फ एक मौका चाहिए, और चकराता विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसको सिर्फ एक मौका चाहिए, जहाँ के यूथ को सिर्फ एक मौका चाहिए। मुझे लगता है वो मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की लीडरशिप में। मुझे लगता है कि यूथ को एक मौका मिला है, और अब हम जौनसार बावर में हर तरह से रीच आउट करेंगे और एकत्र करेंगे लोगों को जो इतने समय से कठिनाइयों में जी रहे हैं। जी सर, सर कहीं संदेश आपका चुनाव के मद्देनज़र उन जौनसार बावर के युवाओं के लिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी शायद एक जो अलग तरह की राजनीति है उसमें युवा बंटा हुआ है, तो उनके लिए एक संदेश देना चाहेंगे जुबिन नौटियाल जी की, कहीं से बड़ा जो उद्देश्य है वो जौनसार बावर का विकास होना चाहिए, जौनसार बावर का हर परिवार समृद्ध होना चाहिए, उस दिशा में और चुनाव को लेकर? देखिए, मैं जौनसार बावर के यूथ से सिर्फ एक अपील करता हूँ कि बहुत वक्त से जौनसार बावर एक गंदी राजनीति में घिरा हुआ है, जिस वजह से क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं यूथ से सिर्फ ये विनती करता हूँ कि आप इस बार क्षेत्र के बारे में सोचें, एक सही कंटेस्टेंट के बारे में सोचें, और राइट लोगों को जिता के आगे लाएं।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो ये थी खास चर्चा में हमारे साथ जुबिन नौटियाल जी, बॉलीवुड सिंगर और अभी जिनके फादर जो है विधानसभा चुनाव चक्रता से लड़ने वाले हैं। खास रिपोर्ट देख रहे थे आप दीवान नौटियाल के साथ, डीसीपी न्यूज से सीधी देहरादून नौटियाल आवास से। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।